आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस में बोल रहे हैं, व्हाट हैपेंस टू ए बेसबॉल दैट इज फायर डाउनवर्ड थ्रू एयर एट ट्वाइस इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, डज इट स्पीड अप, स्लो डाउन और रिमेन टू मूव विद इट्स इनिशियल स्पीड। ठीक है गाइज, सबसे पहले जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी गाइज एक ऐसी लिमिटिंग वेलोसिटी होती है, वीटी, एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो ड्रैग के वजह से कांस्टेंट हो गई होती है। जैसे मान लीजिए एक बारिश की बूंदें हैं, जो बारिश की बूंदें गिरती हैं वो कैसे गिरती हैं, वो अंडर ग्रेविटी फॉल होती हैं। अगर मैं एक छत पे ले जाके, एक टावर पे ले जाके अगर मैं एक बॉल को फेंक दूँ तो वो नीचे जैसे जैसे गिरेगी उसकी वेलोसिटी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इसके हिसाब से बढ़ेगी। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा उसका एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन एयर ड्रॉप जो होते हैं वो तो छत से और भी कई ज़्यादा ऊंचाई से आ रही होती हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसी ऊंचाई से आ रही होती हैं या फिर इससे भी ऊपर, तो फिर उनकी स्पीड क्यों नहीं कंटिन्यूसली बढ़ती है। अगर उनकी स्पीड जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से बढ़े तो ऐसे गोली की रफ्तार से आएंगी, शरीर में छेद कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस, क्यों? क्योंकि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, और जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो गिरती हैं इसका मतलब कि जो वो वेलोसिटी जो वो एक स्टेबल स्टेट में पा लेती हैं। ठीक है गाइस, जैसे उसके बाद से उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद से ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से इसकी वेलोसिटी जो होती है वो नहीं बढ़ती है, तो उसको हम लोग कहते हैं उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होती है, इसके बाद से इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ती है। ठीक है गाइस, ये होता क्यों है चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक ये पानी की बूंद है, पानी की बूंद से समझते हैं, बेसबॉल पे अपने आप समझ में आ जाएगा। ये नीचे की तरफ गिरने लगी तो इस पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे वर्क करने लगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा इस पर गाइस, mg। ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, और सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ होगी। ओके, तो mg जो है वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। mg कांस्टेंट फोर्स है तो ये इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, वी इज इक्वल टू जी टी इसके हिसाब से बढ़ाएगा, वी इज इक्वल टू जी टी के हिसाब से बढ़ाएगा। जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और टी टाइम है, तो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन जो जब ये गिरना शुरू होता है पानी की बूंद, तो जो एयर ड्रैग होता है वो उस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। जो एयर ड्रैग, जैसे हम लोग कहीं बहुत तेज़ हवा में गाड़ी वगैरह चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है। जैसे समुद्र वगैरह में जो पाल होती हैं, जो बड़ी बड़ी नावें जिसपे वो बड़े बड़े पाल टंगे होते हैं, वो हवा के डायरेक्शन की वजह से ही चलती हैं। ठीक है गाइस, तो उन पे वो जो उसमें फोर्स किस वजह से लगता है, एयर की वजह से लगता है। ऐसे ही इस बूंद पे भी एयर ड्रैग की वजह से फोर्स लगता है F। ठीक है, और ये F फोर्स जो होता है, जो एयर ड्रैग का फोर्स होता है, वो इनके वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। F = -kv। ये फोर्स क्या होता है गाइज, F = -kv। इसका मतलब वेलोसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी ये फोर्स भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा होता है। ठीक है गाइज, अच्छा माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वेलोसिटी नीचे है और फोर्स ऊपर है, इसलिए माइनस लगाया। तो F = -kv इस फोर्स के, इस रिलेशन के अनुसार इसकी वेलोसिटी जो होती है वो कंटिन्यूसली, और इस पे फोर्स जो होता है वो कंटिन्यूसली बढ़ता है। अब देखिए क्या हो रहा है, इसकी इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और इस वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से ये फोर्स बढ़ रहा है। तो फाइनली एक ऐसा स्टेट आता है जहाँ पे ये mg, इनिशियली तो ये F जीरो था क्योंकि वेलोसिटी जीरो थी, अब वेलोसिटी बढ़ते 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 एक ऐसे वैल्यू तक पहुंच गई जहां पे ये उस वेलोसिटी की वजह से फोर्स kv जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो इस mg के बराबर हो गया। ये mg और kv एक दूसरे के बराबर हो गए। अब mg और kv एक दूसरे के जब बराबर हो गए, इसका मतलब कि नेट फोर्स जो है उस पानी के बूंद पे जीरो, तो वो नेट फोर्स जीरो हो गया, तो उसके बाद से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, उसके बाद से उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वेलोसिटी को बढ़ा नहीं सकता, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो ये फोर्स भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि F = kv है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो ये फोर्स भी कांस्टेंट, mg भी कांस्टेंट, यानी ये नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है और ये एक फिक्स्ड वेलोसिटी से ये ट्रेवल करने लगती है पानी की बूंद, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये किस वजह से लगता है गाइज, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग ये बात जानते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एयर ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स जिसको कहते हैं कभी कभी। ओके, तो यहाँ पे अब समझते हैं, व्हाट हैपेंस टू द बेसबॉल दैट इज फायर डाउनवर्ड थ्रू एयर एट ट्वाइस इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है गाइज जहाँ पे ये mg
और ये के वी टी, वी टी से मैं दिखा रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसी वेलोसिटी पे ये बराबर होते हैं, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी होती है, एम जी और के वी टी बराबर हो रहे हैं, ठीक है गाइज। अब टर्मिनल वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी से इसको फेंका गया है, टर्मिनल वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी से फेंका गया है, तो देखिए इस पर क्या हो रहा है, मान लीजिए टू वी टी से फेंका गया नीचे, टू वी टी से, तो नीचे की तरफ तो फोर्स एम जी ही लग रहा है और ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, के इंटू टू वी टी, इतना फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स ज़्यादा है अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कम है, यानी ये क्या करेगी, रिटार्ड करेगी, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि एम जी इज इक्वल टू वी टी होता है तब तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है ना, क्योंकि वो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए कंडीशन है। अब क्योंकि अपवर्ड फोर्स जो ज़्यादा हो गया और डाउनवर्ड फोर्स कम हो गया, इसका मतलब ये रिटार्ड होने लगी, और रिटार्ड होकर फिर से फाइनली ये जब एम जी इज इक्वल टू के वी टी इतना हो जाएगा, एम जी इक्वल टू के वी टी, तो ये एक फिर से टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगी और फिर से उस वेलोसिटी से नीचे आएगी, ठीक है गाइज। तो इसलिए अगर हम लोग किसी भी एक बेस बॉल को फायर करें ट्वाइस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी से, तो ये जो ड्रैग फोर्स है ये बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये फोर्स बढ़ जाता है, तो रिटार्ड होने लगती है बॉल, और फाइनली जब एम जी इज इक्वल टू टू के वी टी हो जाते हैं, तो फिर उस कंडीशन में ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन हो जाती है और फिर वो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आता है। तो हमारा आंसर क्या है गाइज, कि अगर हम लोग ट्वाइस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी से गेन करें तो उसकी वेलोसिटी स्लो डाउन होगी, ठीक है गाइज। जैसे हम लोग छत पर ले जाके रुई के टुकड़े को नीचे फेंके, तो जित स्पीड से फेंकते हैं हम लोग उस स्पीड से वो नीचे नहीं गिरता है, वो थोड़ी सी थोड़ी नीचे आने के बाद उसी स्पीड कम हो जाती है, फिर से धीरे धीरे स्पीड से वो ऐसे बहता हुआ नीचे आता है, क्योंकि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी अलग है, ठीक है गाइज। तो होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।